नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आज आपको आपके दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। दर्शकों को कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुडलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि ऐसा पावर मंत्र जो रखेगा आपको टेंशन फ्री, वो भी फ्री में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आर्थिक स्थिति जिसको कहते हैं, वो अच्छी रहेगी, सुधार होगा उसमें और कई दिनों बाद एक रौनक आपके चेहरे पर नजर आएगी। आज विचारों में थोड़ी सी उग्रता रहेगी, लिहाजा जो भी बात मन में है उसे तुरंत कहने से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ा शांत होकर सोचिएगा, उसके बाद में फैसला कीजिएगा। बड़े फैसले कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बार जरूरी लोगों के साथ में विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातःकाल गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा, कपूर आरती कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है, लेन देन के लिहाज से थोड़ी भाग दौड़ हो सकती है, बस आपको अपना जो एटीट्यूड है वो थोड़ा पॉजिटिव बनाए रखना है। कार्यस्थल व्यापार स्थल पर सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किस छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, ममता जी हैं बिलारा से, जो कि अपने भाई दीपेंद्र के लिए जानना चाहती हैं। दीपेंद्र की जन्म की तारीख है 3/6/1995 और जन्म का समय है रात का 11:07 का। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। हेलो, जय श्री कृष्णा बेटा। ये इंजीनियरिंग कर रहा है अभी तो। क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है। कौन सी ब्रांच में? सिविल में कर रहा है, और भविष्य के बारे में और नौकरी का जॉब का योग है वो जानना चाहती हूँ। देखो बेटा ममता, आपके भाई जो हैं दीपेंद्र, इनकी जन्म कुंडली अच्छी है। सबसे पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगा कि इनका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते ही 27 दिन में पूजा होनी चाहिए, शनि का दान, डाकोत का दान होता है। यदि आपके माता पिता ने भैया की पूजा करा दी है तो अति उत्तम, नहीं करवाइए तो हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, एक बार अश्लेषा नक्षत्र की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। केतु की महादशा चल रही है इस बच्चे को, 7 साल की। केतु की महादशा खत्म होगी इसको मई 2018 में, उसके बाद शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। वो जो सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा वो शुरू होगा सन 2018 मई के पश्चात में। केतु जो है वो सांप की पूंछ टेढ़ी चलती है, उसी तरीके से अभी थोड़ा सा इसको मेहनत करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है और अपने 100% देने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कर लूँगा। अगर 2016-17 इसने कंट्रोल कर लिया पढ़ाई के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में, तो काफ़ी आगे जाएगा, नाम कमाएगा। एजुकेशन हाउस में सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, निश्चित तौर पे फुल एजुकेशन आती है इसकी, आगे MBA या MS वगैरह भी कर सकता है। और मांगलिक है बच्चा, और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, हमें लगता है कि निश्चित तौर पे नौकरी मिलेगी, नौकरी से भी कहीं ज़्यादा आगे ये जीवन में एक सफल व्यापारी भी बन सकता है।
एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो इसकी जन्म कुंडली में अस्त है। अस्त होने का मतलब ये होता है कि सूर्य भगवान शाम के समय जब अस्त हो जाते हैं तो गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। मेहनत करें और भाग्य का सुख नहीं मिले तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई का भाग्य पूर्ण रूप से साथ दे तो एक 3.5 या 5 रत्ती का पन्ना, एमरेल्ड जिसको बोलते हैं, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करवाएं। हरे कपड़े खूब पहनाएं, हरी सब्जी खूब खिलाएं, साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य करवाएं, सब कुछ अच्छा होगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए उदयपुर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, प्रीति जी हैं, जो कि अपनी बहन पूजा के लिए जानना चाहती हैं। पूजा की जन्म की तारीख है 31/10/1986 और जन्म का समय है रात का 6:30 का। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जी मुझे मेरे सिस्टर के लिए पूछना था। किसके लिए बेटा? मेरी दीदी के लिए पूछना था पंडित जी। पूछिए बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, उनका शादी का योग बिल्कुल नहीं बनता, अभी शादी भी सगाई भी हो गई पर 1 साल के अंदर ही टूट गई वो। आपकी दीदी के कालसर्प दोष है, पूजा करवाई थी इसकी? जी नहीं पंडित जी, कालसर्प दोष की पूजा नहीं करवाई। कोई भी पूजा नहीं कराई? जी नहीं, कोई भी नहीं कराई। ठीक है बेटा, देखिए प्रीति, आपकी बहन जो पूजा है, आपकी जो दीदी हैं, उनकी जन्म कुंडली में 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि इनके जीवन में सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष बना हुआ है जन्म कुंडली के अंदर। जिन जातकों की, जिन लड़कों की, जिन लड़कियों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय पश्चात में। जीवन में जो भी काम करेंगे, जब 200% मेहनत करेंगे तब जाके 100% मिलता है। सावन का महीना चल रहा है बेटा, या तो नासिक या उज्जैन जाके अपने पिताजी को बोलिएगा कि इस बच्ची को ले जाएंगे और इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, उसकी पूजा करवा दीजिए। सबसे पहला काम तो ये करना है। दूसरी जो समस्या है वो समस्या ये है कि इनकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर में, पति के घर में 2 ग्रह एक साथ बैठे, सूर्य और शुक्र। सूर्य वहाँ पे जो बैठा है वो नीच का होके बैठा है और शुक्र जो बैठा है वो स्वग्रही है लेकिन अस्त है। और सूर्य नीच का, नीच का मतलब अपन अपनी भाषा में कहते हैं कोई नीच व्यक्ति है तो वो नीच वाले रिजल्ट ही देता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य जो नीच का है वो इनके विवाह के सुख को कम करता है, या तो विवाह होता नहीं, विवाह हो जाए तो विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो सूर्य की शांति के लिए एक तांबे का छल्ला रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली जिसको बोलते हैं, रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। आपकी दीदी को बोलिए कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएगी, जितना हो सके तांबे के कलश का पानी पिएंगी, दिन भर जो भी पानी पिए वो तांबे का कलश का पानी होना चाहिए। सूर्य के सामने खड़ी होकर या तो गायत्री मंत्र का जाप करेंगी, आदित्य स्त्रोत का पाठ करेंगी। एक डायमंड आता है, डायमंड 46 सेंट का डायमंड इनको पहनना चाहिए और इयरिंग वगैरह में भी पहने तो अति उत्तम है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना निश्चित तौर पे विद इन 3 मंथ्स में इनको सुयोग्य जीवन साथी दिला सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं। सावन में भगवान शंकर का अभिषेक करें, सोमवार के फास्ट रखें। आगे आने वाले दिसंबर से पहले पहले इनका विवाह तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, टोंक से उषा जी है, जो कि अपने पुत्र कार्तिक के लिए जानना चाहती है। कार्तिक के जन्म की तारीख है 16/11/2004 और जन्म का समय है 12:35 का। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं मेरे बेटे के लिए जानना चाहती हूँ, ये 7th क्लास में है अभी। अच्छा, तो पढ़ाई में बहुत, मतलब पढ़ाई करता ही नहीं, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, गुस्सा भी बहुत ज्यादा करता है। अच्छा, देखो बेटा उषा, आपका जो बच्चा है कार्तिक, इसकी जन्म कुंडली में इसके शरीर के निर्णय, डिसीजन, सोच के घर का जो स्वामी है शनि, वो विषयोग बना रहा है। कहीं ना कहीं इसकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो अच्छा नहीं, और जब शनि ठीक नहीं होता है तो इसी तरीके से विचारों में अस्थिरता कर देता है, गुस्सा ले आता है स्वभाव में। तो एक तो नियम बांधिए कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा काले कपड़े नहीं पहनाने हैं। दूसरा, शनिवार के दिन इस बच्चे को लेके जाइए और शनि मंदिर में जाके वहाँ पे शनि भगवान को तेल चढ़ाइए। तीसरा, इस बच्चे की आदत में, स्वभाव में डाल दीजिए कि इसको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, स्पेशली शनिवार के दिन तो इस बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सूर्य की महादशा, शनि का अंतर चल रहा है, अभी पिछले 1 साल से इसका खराब समय है, जो दिसंबर 2016 में ख़त्म होगा, उसके बाद में
काफी अच्छा रहेगा। दूसरा, इसकी कुंडली में शुक्र नीच का है भाग्य स्थान में। इस बच्चे के नाम से यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची का भाग्य पूर्ण रूप से साथ दे, शिक्षा के क्षेत्र का स्वामी शुक्र नीच का है। जन्म कुंडली ये कहती है कि इसकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, एक सफल व्यापारी बनेगा, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तो शुक्र को शांत करने के लिए हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की जो कन्याएं होती, छोटी कन्याएं, इस बच्चे के नाम से कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, कभी स्टेशनरी आइटम दे दें, कभी फैंसी आइटम दे दें। इस तरीके से 27 शुक्रवार को एक एक कन्या को आप गिफ्ट दीजिए, निश्चित तौर पर उससे इस बच्चे के फ़ायदा मिलेगा। और चांदी का चंद्रमा सोमवार के दिन इसके गले में डाल दीजिए, उससे भी काफ़ी फायदा मिलेगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का कुछ खास है। कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, कुछ नई कुछ पुरानी, दोनों ही तरह की। जो भी काम आज आपने सोच रखे हैं उस तरीके से काम नहीं होंगे, लेकिन इससे आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जितनी भी सामने जो भी हार्ड सिचुएशन आए, कठिन परिस्थितियां आए, डिफिकल्ट थिंग्स आए, उन सब में यथासंभव खुला मन रखिएगा, लचीला व्यवहार बनाए रखिएगा और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, विवाद से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार होगा, पैसों की स्थिति में सुधार होगा, सकारात्मक सोचना है, काम करने का तरीका बदल लेना है, फिर देखिए सब अच्छा होगा। ध्यान रखिए, आलस्य और आशंका का त्याग कर कम साधनों में भी जंग जीती जाती, वहम का कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मजा आएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।